वेलकम बैक टू माय चैनल ईकेएम ताइक्वांडो एकेडमी। गाइस, आज मैं आपको ग्रीन वन जो ताइक्वांडो की बेल्ट होती है उसमें आपको क्या क्या टेक्निक आनी चाहिए ताकि आप ग्रीन बेल्ट को अचीव कर सके या पास कर सके। इससे पहले ना मैंने येलो बेल्ट और ग्रीन बेल्ट के बारे में बता रखा है कि आपको येलो बेल्ट और ग्रीन बेल्ट का टेस्ट देना है तो आपको क्या क्या टेक्निक आनी चाहिए। और ये जो सीरीज मैंने स्टार्ट करी है ना, ये आपको ताइक्वांडो को समझने में और सीखने में बहुत बड़ी हेल्प करेगी। तो वीडियो को पूरा देखिए और सीखिए ताइक्वांडो के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, चार ब्लॉक, डाउन ब्लॉक, मिडिल ब्लॉक, अपर ब्लॉक और आउटर ब्लॉक। इसमें ब्लॉक होता है सिंगल नाइफ एंड ब्लॉक, जिसको कोरियन में ना अनसुनल माकी बोलते हैं। अब इसकी प्रैक्टिस कैसे है, सबसे पहले आप ऐसे खड़े हो जाइए, जुचुम सगी स्टांस ये है। अगर आपको स्टांस के बारे में सीखना है तो इस वीडियो को आप चेक कर सकते हो, और मैंने इसमें ना बहुत अच्छे से सारे स्टांस के बारे में बताया कि आपको स्टांस बनाना कैसे होता है और उसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना होता है। तो पहले जुचुम सगी स्टांस, एक हाथ अनसुनल मतलब एक हाथ खुला हुआ और एक हाथ ऊपर बंद। अब एल बनाना है एंड देन टर्न इस तरह, ठीक है। फिर से देखिए, यहाँ पे है वन, ये टू, थ्री। आप नीचे देख रहे होंगे कि मैं पैर को भी टर्न कर रहा हूँ साथ साथ, फोर। इसी तरह दूसरी तरफ करेंगे, आप राइट हैंड को खोलना है, वन टू थ्री फोर। ये अनसुनल माकी है। अब इसमें एक और होता है अनचिगी सिंगल नाइफ एंड अटैक। अभी मैंने सिंगल नाइफ एंड ब्लॉक बताया था, अब ये सिंगल नाइफ एंड अटैक है। इस तरह प्रैक्टिस होता है। ये अपोजिट रहता है सेम, इसको थप्पड़ की तरफ बनाना है ऐसे और सामने ऐसे हिट करना है यहाँ पे टक इस तरह। लास्ट वीडियो मैंने आपको विद वॉकिंग ब्लॉक्स और विद वॉकिंग पंच कराया था। इसमें ना ये सारे मिक्स होते हैं, मतलब ब्लॉक और अटैक टुगेदर होता है, जैसे कि डाउन ब्लॉक एंड पंच, डाउन ब्लॉक पंच। ये लॉन्ग स्टांस में सारा रहेगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ना शॉर्ट स्टांस में बताया था। अब है मिडिल ब्लॉक भी, आपको विद वॉकिंग करना है सेम इस तरह। इसी तरह अपर ब्लॉक है। आप एक चीज़ का पूरा ध्यान दीजिएगा, जैसे अपर ब्लॉक सेम लाइक सेम हैंड, और इनसाइड ब्लॉक जो भी मिडिल ब्लॉक है वो अपोजिट रहता है, और इसी तरह आउटर ब्लॉक है सेम हैंड सेम लाइक, बट अटैक एंड डिफेंस टुगेदर। ये इसको कॉम्बोज बोलते हैं और ये ग्रीन बेल्ट में ही आता है। अब नेक्स्ट मैं आपको किक के बारे में बताता हूँ कि इसमें किक कौन कौन सी ऐड हो जाती है। वीडियो मैंने आपको जंप स्लैप बताया था इस तरह, बट ये जंप स्लैप भी इसमें रहती है, ये विद वॉकिंग हो जाती है, जैसे वन टू थ्री। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देना, जो पैर आगे है मैं उसी पैर को उठाना होता है। जब ऑन द स्पॉट होता है तो आप पीछे वाला पैर उठाते हो, बट जब विद वॉकिंग करोगे आप तो आपको आगे वाला पैर उठाना है एंड देन जंप एंड किक। और दूसरी इसमें किक होती है ड्रॉप किक, एक्स किक, जो इस तरह अटैक होती है। अब इसी में तीन स्टाइल होता है, एक होता है इन टू आउट, एक होता है आउट टू इन। ये चीज़ जितने भी केक्स आप मैं जो बता रहा हूँ ना, ये आपको ऑन द स्पॉट और विद वॉकिंग कराना होता है इसमें। और एक किक और ऐड होती है डबलिंग इस तरह इस तरह। ये दोनों ही स्लैप पैड पे लगती है या बॉडी पे लगती है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ इसमें 18 स्टेप्स, जिसको कोरियन में समजांग बोलते हैं। तो सबसे पहले है रेडी स्टांस जुम्बी, फिर उसके बाद वन अब इसमें आपने देखा कि मैंने नाइफ एंड यूज़ किया, अब यहाँ भी नाइफ एंड अनसोनल माकी पांच अगर आपको पुंसे के बारे में सीखना है तो इस वीडियो को चेक कर सकते हो। मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है कि पुंसे में क्या क्या टेक्निक्स पे ध्यान देना होता है और पुंसे को कैसे हम सीख सकते हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।